So let's start with problem set. Choose the correct answers for the following question. Which one is the quadratic equation? देखो यहाँ पर वैसे तो b तो quadratic है, ये confirm है, लेकिन ये बाकी नहीं है करके आप कैसे बता सकते हो? उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा. देखो अगर आप ऑप्शन ए देखते हो, सो इट इज 5 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल्स एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको जो है ऐसे बनाना है ताकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहे, तभी आप डिसाइड कर पाओगे ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है. कैसे करोगे? विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर. तो x हो गया 5 माइनस 3x इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ये x उस तरफ गया, सो 5 माइनस 3x इक्वल्स x इंटू एक्स स्क्वायर इज वॉट एक्स क्यूब. तो ये हो गया क्या, ये कौन सा इक्वेशन हो गया? क्यूबिक. डिग्री 3 है ना, सो दिस इज क्यूबिक है, तो इसलिए ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक. इसके बाद ये वाला ये पक्का क्वाड्रेटिक है. कैसे? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 5x, और ये 2 इस तरफ आ गया माइनस 2, तो यही है क्वाड्रेटिक. बट ये क्यों नहीं है वो भी बताना है. सी मतलब इस क्वेश्चन में नहीं, आपको मुझे बताना है क्यों नहीं है ये क्वाड्रेटिक. ये एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा. सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज वही एक आपका क्वाड्रेटिक है. नाउ आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? चलो पहले तो ऑप्शन ए देख लो क्या है. एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स 11 प्लस एक्स स्क्वायर है बराबर. ये एक्स स्क्वायर अगर इस तरफ आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल 0, ये दोनों कैंसिल, 4x माइनस 11 इक्वल 0. ये कौन सा टाइप का इक्वेशन हो गया? लीनियर हो गया ना, सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक. बाकी भी क्वाड्रेटिक है या नहीं है? अगर ऑप्शन बी देखोगे तो क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4x बराबर, तो ये ऑलरेडी है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर. ये कौन सा है? लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, उसके बाद ये कौन सा बन गया? ये क्वाड्रेटिक है, राइट? दिस इज क्वाड्रेटिक. ऑप्शन सी देख लो क्या है, 5x स्क्वायर इक्वल्स 90, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, बट फिर भी फॉर्मेट में लेके आने के लिए 5x स्क्वायर माइनस 90, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक. ऑप्शन डी क्या है, दैट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5. ओके, तो यहाँ पर भी अगर मैंने, अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा कि नहीं? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? माइनस हो जाएगा, करेक्ट. सो दिस विल बी 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0, ये दोनों हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स 0. गॉट इट? तो हो गया माइनस 2x स्क्वायर आ गया, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक. Got it? So option क्या आ जाएगा इसमें? A. Now the roots of this are real and equal, find k. So अब इस quadratic equation के लिए x square plus kx plus k, I think I can solve it over here only, but fine, I'll do it here. Is equals to 0. Now क्या करोगे? Comparing with, वैसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है because it is MCQ. Ax square plus bx plus c equals 0. C का value k. ठीक है, बराबर ना? सी का वैल्यू के आ गया ना, बी का वैल्यू भी के है और ए का वैल्यू 1 है. अब इन्होंने क्या बोला है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो व्हाट आई कैन से, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0. बी का वैल्यू पुट अप करो, के स्क्वायर माइनस 4a इज 1, के इज सी इज के इक्वल 0. सो के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल 0, के स्क्वायर इक्वल्स 4k. अभी देखो, अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स एज 3 एंड 5. अब देखो और एक बता दो, अब जैसे अगर मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया प्लस 6 इक्वल 0, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, फाइनली मुझे आंसर आ जाएगा x इक्वल्स 2 और x इक्वल्स 3 इसको सॉल्व करने के बाद. ठीक है, अब इसमें अगर x इक्वल्स 2 और x इक्वल्स 3 आया ना मुझे सोल्यूशन, अगर ये 2 वाला वैल्यू अगर मैं इस इधर पुट अप करता हूँ तो आंसर मुझे 0 आएगा. देखो 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 6 इज 10 एंड 5 इंटू 2 इज 10, 10 माइनस 10 आंसर आ गया 0. 3 भी पुट अप करो, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 5 3 इज आर 15 और ये प्लस 6, 9 प्लस 6 इज 15 माइनस 15 आंसर इज 0 बराबर. अगर ये दोनों रूट्स है तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू अगर मैंने 2 पुट अप किया तो 0 आएगा, x का वैल्यू 3 पुट अप किया तो भी 0 आएगा. तो
तो यहां पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 3 एंड 5 एज द रूट, तो क्या करोगे? सेम ऐसे ही करोगे, 3 और 5 दोनों दोनों वैल्यू के लिए आपका आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, मतलब ये वाला वैल्यू जो है उसका उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली मिल सकता है। 3 इसमें पुट अप करो कितना आएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 6, 9 प्लस 8, 17, 15 इंटू 3, नहीं ये नहीं होगा, 3 पुट अप करने पे जीरो नहीं हो रहा है, इसमें 3 पुट अप करो, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 15, 9 प्लस 15 24, 3 एट्स आर 24, 3 पुट अप करने पे जीरो हो गया। 5 पुट अप करो, 5 स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 20 प्लस 15 इज हाउ मच, 25 प्लस 15 40, 40 40 25 प्लस 15 40, और 5 इसमें पुट अप करो, 8 5 आर 40, 40 माइनस 40 जीरो हो गया, तो यही आंसर, समझा? अभी इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा x इक्वल्स 3 एंड 5, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा तो सब्स्टिट्यूट करके करना है, अदरवाइज सॉल्व करने तो तुम लोगों को आता है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है ना, हाँ तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी होगा। अब एमसीक्यू इसलिए हम पुट अप करके सॉल्व करेंगे, याद रहेगा? हाँ, नेक्स्ट करें। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट एज -5। देखो आपका अगर कोई भी इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है? माइनस बी अपॉन ए। यहां पर इन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट्स क्या है? -5। अगर ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता है तो इसमें ऑप्शन ए के लिए ए का वैल्यू क्या है? 3। बी का वैल्यू क्या है? -15। और सी का वैल्यू क्या है? 3। बराबर, फर्स्ट ऑप्शन ए के लिए। तो इसमें सम ऑफ रूट्स अगर मैं माइनस बी अपॉन ए करता हूँ तो कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 15 ए विच इज 3। तो ये कितना हो गया? 15 बाई 3, आंसर आ गया 5। बट मुझे क्या चाहिए? मतलब ये ऑप्शन गलत है, राइट? सेकेंड वाला ट्राई करते हैं, बी ऑप्शन। इसमें ए का वैल्यू क्या है? 1। बी का वैल्यू क्या है? इक्वल्स कितना? 3, राइट? अब इसमें अभी करके देखते हैं, माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाई ए, तो ये भी क्या आ जाएगा? 5/1। तो ये भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी भी कैंसिल, बराबर। ऑप्शन सी देखते हैं, इसके ए का वैल्यू क्या है? हाँ बोलो। बी का वैल्यू 3 एंड सी का वैल्यू -5, बराबर। इस इक्वेशन में ए बी सी का वैल्यू, अब इसमें करके देखते हैं, माइनस बी अपॉन ए, ये कितना होगा? -3/1, आंसर इज -3, ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन, आपका क्या है इक्वेशन? √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। आपका मुझे ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, ये कब होता है ये सब? रियल, इक्वल, अनइक्वल कब बता सकते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, क्या आएगा? ए वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें? √5। बी का वैल्यू क्या आएगा? और सी का वैल्यू यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, -√5। ओके, तो ये सब √5 -√5 √5 आ गया। आपको क्या चाहिए? टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको जब भी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है? b² - 4ac। तो योर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स व्हाट? b² - 4ac विच इज बी इज -√5² - 4√5 × √5। ओके, नाउ दिस इज -√5² = 5, 5 × √5 × √5 = 5, 5 × 4 = 20, आंसर इज -15। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो अब बताओ मुझे नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? अभी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, मतलब क्या स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा ना। ये रियल है या नॉट रियल है? तो फिर हो गया ना वहीं पर, इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट रियल। तो हो गया, नॉट रियल है एंड अनइक्वल भी है, रियल एंड अनइक्वल
रियल नहीं, थ्री रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल, ऑप्शन सी, ठीक है. वन ऑफ द क्वाड्रेटिक, कौन सा, फिफ्थ ना कि फोर्थ, फोर्थ. वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस टू, फाइंड के. पहले देखो आपका इक्वेशन लिखो 2x square plus kx minus 2 equals 0. This is what your quadratic equation. अब minus 2 क्या है, root है. Since minus 2 is the root of the given equation, therefore what? You can substitute minus 2 in the given equation. Therefore, substituting x equals minus 2 in the given equation. हाँ, x का वैल्यू minus 2 रखना है. 2 into minus 2, अरे k में कैसे, k तो फाइंड करना है. Minus 2 equals 0. Minus 2 का square 4. 4 into 2 is 8. Minus 2 k. Minus 2 equals 0. 8 minus 2 is 6. 6 goes on that side. Minus 6. Minus minus gets cancelled. K equals 0.